में कहा हमें तो 20 साल से भी ज्यादा हो गए, हमने कहा हमें तो 30 साल हो गए, तो कहते आपकी स्पेशल पोजीशन है। तो बहुत ही यू नो, और बहुत जब भी मिलते थे, जब मेरे यहाँ जब मुफ्ती साहब वजीर आला थे तो मैं यहाँ थी, जो हमारी कोर्ट वहाँ इधर 5 मौलाना आजाद रोड में, तो वहाँ अटैक हुआ, आपको याद होगा फिदाइन अटैक हुआ। तो मुझे मतलब फोन पे वो बोलते रहे कि आप कितनी बहादुर हो, आप कैसे किसी इंसान में इतना 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 ये वतीरा होना, इतना वो फीलिंग्स होना कि एक छोटे से एक मैं क्या हूँ। तो मेरे जज्बात को समझना, मुझे शाबाशी देना और हंसी मजाक में हर मसले का, और मैं ये भी समझती हूँ कि दिस ऑल्सो गोज टू क्रेडिट ऑफ वाजपेयी जी की जो उन्होंने 2002 में लाल किले से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जिससे यहाँ के लोगों का जो डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, रिस्टोर हो गया, इलेक्शन हुए, एक सरकार बनी, जो हीलिंग टच पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। वो हीलिंग टच पॉलिसी कामयाब नहीं रहती अगर वाजपेयी जी उसका सपोर्ट नहीं करते, अगर वो यहाँ डायलॉग की बात नहीं करते, अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की बात नहीं करते, तो मुफ्ती साहब ने जो हीलिंग टच पॉलिसी यहाँ अपनाई थी वो कामयाब नहीं हो सकती थी तब तक जब तक वाजपेयी जी उसका सपोर्ट नहीं करते। इसलिए हमने फैसला किया है, जितने भी हमारे कल यहाँ जितने भी MLA अवेलेबल हैं, हम सब जाना चाहते हैं और उनको आखिरी जो है खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। महबूबा जी, एक सवाल है मेरा, क्या आपको कोई रिग्रेट है कि आपने क्यों मतलब BJP के साथ मतलब? इस वक्त ये सवाल नहीं करने चाहिए, ऐसे पन सवाल पन पानी पिया सबने? कोई बात नहीं, अच्छा भाजी सलाम वालेकुम। अच्छा ये कहाँ है ये तो?